नमस्कार, बिमला की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम कच्चे आम का टहुआ बनाएंगे। ये गर्मियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप इसको पियेंगे तो बहुत ही अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। टहुआ बनाने के लिए ये कच्चे आम, ये शक्कर, गुड़, हींग, काला नमक, हल्दी, ये पिसा हुआ मिर्ची, पिसी हुई जीरा, साबुत जीरा, ये नमक सादा, ये बेसन। पहले हम ये बेसन में थोड़ा तेल डालते हैं, फिर इसका घोल बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एकदम सॉफ्ट डोर बनाना है। ये देखिए हमारा घोल बन के तैयार हो गया है। अब इसके हम बूंदी बनाएंगे थोड़ा, और थोड़ा बगजा बनाएंगे। अब हम कढ़ाई में तेल डालते हैं, इसको अच्छा गर्म होने देते हैं। ये कच्चे आम को उबाल लेते हैं, पानी डालते हैं और इसको गैस में तेज आंच पे रख देते हैं पकने के। बनाने के लिए हम ये पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण हमारे पास अभी कोन नहीं है। अब इसको हम ऐसे उठाते हैं पन्नी को, इसके अंदर घोल भर लिए हैं। अब इसको ऐसे करते हैं, अब इसको जरा सा छीन करेंगे, इसमें थोड़ा सा बारीक। अब इसके हम बगजा बनाते हैं। इसमें ये बगजा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको अच्छा बड़ा गोल गोल जलेबी जैसे इसको हम पलटा देते हैं। तो निकाल लेते हैं, पल चुका है। और हम इसी तेल में बूंदी निकाल, बूंदी बना लेते हैं। आप इस तरह की भी छन्नी से बूंदी निकाल सकते हैं। हमारे पास वो थी, हमने उस लिए उससे निकाला, उसमें से जल्दी हो जाता है। ये बूंदी हमारी तल चुकी है। ये हमारे उबल चुके हैं। इनको एक तो उबाल आए बंद कर देना है, क्योंकि ये फिर ये कड़वे हो जाते हैं, या तो उबल जाते हैं। तो ये देखिए, अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। ये जैसे ठंडा होगा इसका पल्प हम निकालेंगे। हमारे आम ये ठंडे हो चुके हैं, अब हम इनका पल्प निकाल लेते हैं। इनको इसको इस तरह करना है, इसको वैसे करना है। फिर इसमें थोड़ा पानी डाल लेते हैं, हम दूसरा निकालते हैं। फिर इसको हम ऐसे इसका रस निकालते हैं पल्प, फिर रख देते हैं इसको, फिर दूसरा निकालते हैं। इसी तरह हम पूरे निकालेंगे। ये हमने आम का पल्प निकाल लिया, इसमें पानी ऐड कर दिया थोड़ा सा, और ये देखिए ऐसे निकाल के इनको साइड में कर देना है। अब इसमें हम तड़का लगाते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हमने इसमें तेल पहले थोड़ा डाल दिया था। अब इसमें हम तड़का लगा लेते हैं। ये पहले हम जीरा डालते हैं, फिर हींग डालते हैं, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर। अब इसमें हम ये पल्प डाल देते हैं। ये गुड़, थोड़ा सा शक्कर, ये काला नमक, ये सादा नमक अपने अनुसार डाल देना।
ये उबल चुका है, हमने इसे 5 मिनट तक उबाल लिया अच्छे से। अब इसको हम बाउल में पलट देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं, जीरा पाउडर दोनों में। इसको चला लेते हैं। एक में हम नुक्ती डालते हैं, एक में हम बगजा डालते हैं, ये देखिए हमारा टाउआ बनके तैयार है। एक बूंदी का बनाई हूँ, एक बगजा का बनाई हूँ, दोनों का सेम टेस्ट रहेगा, पर ये दोनों वैरायटी अलग अलग दिखेगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो बिमला की रसोई में अपने अनुभव जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।